फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी कई सारे कंपनियों में काम किए हुए हैं और आपके पुराने किसी भी कंपनी में आपका जो भी एम्प्लॉयर है पैसा नहीं जमा किया हुआ है, अब आप पासबुक चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे 00 दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं दिखाई दे रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है और यदि आप पैसे लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, पूरे प्रैक्टिकल तौर पे आपको बताऊंगा। यदि आप भी जाना हो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना इसके पहले आज तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हम सबसे पहले पासबुक वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट ही आप इस पेज पर आ पाएंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना यूएन नंबर आपको एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद से जो भी ये कैलकुलेशन है वो एंटर करने के बाद यहां से लॉगिन कर देना है। फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स यहां पे अब आपको देखने को मिलेगा कि सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहां पे ऊपर की साइड कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स यहां पे हम मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मेंबर आईडी हम सेलेक्ट करने वाले हैं, यहां पे हमने ये वाला मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से जब यहां पे पासबुक देखेंगे ना, ओल्ड पासबुक या न्यू कुछ भी देख सकते हैं, तो अभी फिलहाल में हमने ओल्ड पासबुक ही देख लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो 0000 शो कर रहा है, एम्प्लॉई शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, ये सब कुछ 00 कर रहा है, यहाँ तक कि पेंशन का कंट्रीब्यूशन भी 00 शो कर रहा है, और यहाँ तक कि ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो एम्प्लॉई है इन्होंने काम किया भी है, इनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। देखो यहाँ पे जनवरी में भी जनवरी का जमा हुआ है, फरवरी का जमा हुआ है, मार्च का जमा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद से इनका अप्रैल का भी जमा है और मई का भी जमा है, लेकिन 00 रुपये जमा है। पेंशन में भी 00 कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉई शेयर में भी, एम्प्लॉयर शेयर में भी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इन एम्प्लॉय का कहना ये है कि भैया हमने तो काम भी किया और बाकी पैसे भी कटवाए हैं और उसके बाद से हमारा जो भी है ये नहीं दिख रहा है, जो भी पेंशन का कंट्रीब्यूशन है या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ 00 यहाँ पे शो कर रहा है, इसका रीजन क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, इनके कहने के मुताबिक भी यहाँ पे व्यू पासबुक में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इन्होंने क्लेम वगैरह नहीं किया हुआ है, कुछ भी पैसे नहीं निकाला है। हालांकि ट्रांसफर क्लेम करेंगे तो भी यहाँ दिख जाएगा, अगर ये पैसे निकालेंगे तो भी दिख जाएगा, और सबसे बड़ी बात है अगर पैसे आप निकाल भी लेते हैं उन्हें किसी भी पासबुक में तो यहाँ तो 00 हो सकता है, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन आपका कितना कितना जमा हुआ था ये नहीं 00 हो सकता है, और यहाँ पे पेंशन का कंट्रीब्यूशन है, ये यहाँ पे जितना पेंशन का कंट्रीब्यूशन था उतना तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं विड्रॉल वाले कॉलम भी खाली है बिल्कुल, यहाँ भी कुछ भी विड्रॉल इन्होंने नहीं किया हुआ है। और हालांकि फ्रेंड्स इनका जो ये कंपनी है वो कंपनी आपका ट्रस्ट वाला नहीं है, इसके लिए हम चले जाते हैं यहाँ पे इनके सर्विस हिस्ट्री में। देखिए, सफलतापूर्वक आपको लॉगिन कर लेना है, अगर आप खुद का चेक कर रहे हैं आपके साथ कुछ ऐसा है तो सबसे पहले आप अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाइए, और उसके बाद से आपको व्यू पे जाना है, सर्विस हिस्ट्री पे जाना है। सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको जितनी भी कंपनियां होंगी उनके सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो अभी कंपनी का नाम ही दिख रहा है, लेकिन अभी कंपनी का नंबर याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए, और आपको और भी ज़्यादा डिटेल देखना है तो डिटेल व्यू में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पे एक नंबर दो नंबर की जो भी कंपनियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है जिसका हम लोग देखना चाह रहे थे वो दो नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नंबर दो है, दो नंबर की कंपनी नहीं है, तो दो नंबर पे आपको ये कंपनी दिख रही है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पीएफ का जो एग्जेम्पशन है ना वो अननोन है, अननोन का मतलब ये जो कंपनी है ये पीएफ ऑफिस में ही जमा करती है अपने सभी एम्प्लॉयज का पैसा, आप समझ सकते हैं ये ट्रस्ट वाली कंपनी नहीं है, ये अनएग्जेम्प्टेड कंपनी है। हालांकि जो कंपनियां एग्जेम्प्टेड होती हैं जैसे कि ये, तो इनका तो पासबुक भी नहीं आप देख सकते, भले ना 0 रुपया हो, आप देखिए इनका यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ आता है पीएफ एग्जेम्प्शन में, और देखिए यहाँ पे अननोन लिखा हुआ आ रहा है। इसका ठीक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, देखिए अभी फिलहाल में इन्होंने पैसा नहीं निकाला है, पहले तो ये दिखा दूँ आपको व्यू क्लेम स्टेटस में ये नहीं है। अब देखिए दूसरी कंपनी थी जो एग्जेम्प्टेड वाली थी, वहाँ एग्जेम्प्शन लिखा हुआ था, वो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पासबुक देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि भैया ये ट्रस्ट वाली कंपनी है, ट्रस्ट से संपर्क करो, यहाँ पे कोई पासबुक आपका अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यही बताना आपको चाह रहा था कि जिन लोगों के साथ ऐसी समस्या है, जिन लोगों के पासबुक में कुछ भी पैसा नहीं जमा हुआ है, अगर उनका सही में पैसा कट रहा था, देखिए
जो इम्प्लॉयर है उसने तो ये दिखाया हुआ है कि भैया इनका तो कंट्रीब्यूशन जमा ही नहीं हो रहा है, इनका पैसा ही नहीं बन रहा है, तो 0 रुपये कंट्रीब्यूशन कर सकता है। यहाँ पे प्रूफ के साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनकम इन इम्प्लॉई का यहाँ पे पैसा 0 रुपये जमा हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा है कि आपका जो पीएफ है वो कंट्रीब्यूशन कटा हुआ है 12% जो भी सैलरी स्लिप में लिख करके आता है, और आप फिर भी चेक कर रहे हो, देखिए चेक करना जरूरी है, आप अपना पासबुक जरूर चेक करते रहिए कि आपका इम्प्लॉयर पैसा जमा कर रहा है समय से या नहीं जमा कर रहा है, और भी सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। अगर फ्रेंड्स आपका जो सैलरी स्लिप है आपके पास पुख्ता प्रूफ है, सप्लायर लिख करके देता है या फिर कोई कंपनी है वो लिख करके देती है कि आपका जो पैसा है वो कट रहा था पीएफ का और जमा भी मैं कर रहा हूँ, और या फिर आपके पास पासबुक भी हो उसमें 12% डिडक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पे चेक करने के बाद जमा नहीं हो रहा है, तो इसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रीवेंस रजिस्टर कैसे करना है उसका, उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फुल प्रूफ होना चाहिए तो ही कोई एक्शन हो पाएगा। फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए ना हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इससे पहले आप पहले तो ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्प हुआ हो ना आपका, तो सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, उनके भी इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, क्योंकि उनके साथ भी ये घटना घट सकती है। जैसे ही आप चैनल पर विजिट करेंगे ना तो यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज के लिंक देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी आपके हेल्प आ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है एक और अच्छे वीडियोज बनाने की, उस पर भी मेहनत करने की। और फ्रेंड्स यहाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लायक जो वीडियो होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।